जय अकीनेतर वाले बाबा बाबा, पिछली बार आपकी वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, अभी उसे सिर्फ 20 घंटे हुए अपलोड किए हुए, ओनली 20 आवर्स, और उस पर 4-5 व्यूज़ आ गए, जो मेरे चैनल का एक नया रिकॉर्ड है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं। और सब्सक्राइबर से याद आया, आपकी वीडियो अपलोड करने के बाद मेरा एक सब्सक्राइबर भी बढ़ गया बाबा, तो धन्यवाद बाबा, ये सब आप ही की कृपा है। अब से आपकी पूजा शुरू होती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। ऐसे ही आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाते जाओ और मेरे को इंडिया का सबसे बड़ा गेमर बना दो। धन्यवाद बाबा, मैं आपके सामने सर झुकाता हूँ। हैं बाबा गायब, इग्नोर मार दिया, मतलब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, ये नहीं हो सकता। ओके गाइस, तो जैसा आपको पता है, जो मैं आपको बता रही है कि मेरी पिछली वीडियो की रेटर की काफ़ी अच्छी गई और उसे देख के मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े इसी तरह से। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि एक ये और एक ये दो चीज़ें रह गई है मेरी, पर वो मैंने गलती से गलत बोल दिया था, क्योंकि हमने मूवीज़ कर चुके थे हम पिछली वीडियो में, तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट वाला रह गया, तो सिर्फ एक चीज़ रह गई है। तो पहले हम ये खेलते हैं, और अगर ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी हुआ तो फिर हम इनमें से एक और खेल लेंगे, क्या जा रहा है अपना, लेकिन पहले हम यही खेलेंगे। तो पहले हम ऑब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट में से किसी एक चीज़ हम इसे बोलेगा और ये चुनेगा। तो अगर आपको लेकिन नहीं पता कि अकीनेटर क्या है, बाई चांस आप यही वाली वीडियो देख रहे हो, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, तो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ क्या है। ये है अकीनेटर, है ये गेम है, इसमें ये जो जेन आपको दिख रहा है ये हमसे कुछ सवाल पूछता है, और जो भी हम करेक्टर, ऑब्जेक्ट, मूवी, ये सारे नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं, ये फैंटसी और रियल करेक्टर का, एनिमल का है, मूवी का है। तो हमने ये तीन हम ना कर चुके हैं पिछली वीडियो में, अब मैं ये कर रहा हूँ। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा और इन लास्ट ये हमें बताएगा, तो फिर हमें देखना है कि ये सही बताता है या नहीं। तो अभी मेरे को ये वाला करना है, और टाइम बचेगा तो फिर मैं वो वाला भी कर रही किसी और भी कर दूँगा कोई और। तो चैलेंज भी, तो पहले मैं एक बार सोच लूँ कि मैं क्या चुनूँ। मैं एक ऑब्जेक्ट चुनता हूँ, पेंटिंग, हाँ ठीक है, पेंटिंग, नॉर्मल सी पेंटिंग चुनता हूँ। तो पेंटिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं होता, कैन वी बाय इट, हाँ हम पेंटिंग को ख़रीद सकते हैं। फाउंड इन किचन, नहीं किचन में कोई अब पेंटिंग नहीं लगाता। Is it soft? Painting soft होती है, painting पेज के ऊपर होती है, probably soft होती है, लेकिन पूरी तरह से जो softness जैसे कहते हैं वो नहीं होता, वो नहीं, हम उसे पहन नहीं सकते, we can't wear it। Painting एक toy भी नहीं है, वो showpiece type है। Rectangular, क्या वो रेक्टेंगुलर होता है? ज़रूरी नहीं है, कुछ पेंटिंग्स अलग भी होती है, लेकिन ज़्यादातर रेक्टेंगुलर होती है, तो मैं यस करूँगा। ओके हाँ, वो इट इज़ मेड ऑफ पेपर, हाँ वो ज़्यादातर पेपर की होती है, कुछ गड्ढे कार्डबोर्ड वगैरह की भी होती है। कैन इट बी ओपन, नहीं वो ओपन नहीं हो सकती, क्योंकि वो पेंटिंग है। Does it have a relation with school? School से क्या relation हो सकता है painting का? Painting school में use होती है probably। Do we use it at work? Work में use करते हैं? नहीं, हाँ वो डेकोरेटिव
ऑब्जेक्ट है। डज इट हैव अ रिलेशनशिप विद पेंटिंग? यस पेंटिंग है। इट इज यूज फॉर अ परेटिव। ये क्या होता है, मैं सर्च करता हूँ एक बार पहले गूगल पे। ओके, तो अपेरेटिव होता है, मैंने सर्च कर लिया है। अपेरेटिव का मतलब होता है वाइन, अल्कोहल, जो हम किसी भी मील से पहले, खाने वाने से पहले लेते हैं। अब वो पता नहीं क्यों लेते हैं, ये मेरे को भी अच्छे से समझ नहीं आया। वैसे उसमें लिखा हुआ था लेकिन मैंने इतना डीपली उसे पढ़ा नहीं। अब भाई ये अल्कोहल वल्कोहल की क्यों बात कर रहा है? इट इज़ यूज फॉर द नहीं होता भाई, अल्कोहल की बात ही मत करो भाई। $100 कुछ पेंटिंग बहुत महंगी होती है। कैन इट बी वॉश्ड? भाई पेंटिंग को कौन धोता है? डू यू हैव वन? हाँ, मेरे जो सामने दीवार है उस पर एक रखी हुई है। कैन इट बी फोल्डेड? भाई मेरी वाली तो नहीं हो सकती, नहीं फोल्ड नहीं होती, प्रॉबली नॉट। कुछ पेपर पे होती है तो हो जाती है। हैव फन विद इट? कैन वी हैव फन विद इट? ना ना ना, फन क्यों करेंगे हम उससे? हम तो ये सो के लिए रखते हैं बस, ऐसी दिखाने के लिए। ये क्या है भाई, पिकासो? पिकासो पिकासो पता नहीं क्या है, सर्च करना पड़ेगा। ओके भाई, तो ये गूगल बाबा पे मैंने खोला है, तो फिर इसमें लिखा है तो पिकासो जो है वो स्पेनिश का आर्टिस्ट है, वो लिव इन फ्रांस, और ये इसमें दे रखी है इतने से इतने साल। तो ये पिकासो का मतलब जो है ना, पिकासो का मतलब ये कुछ इस तरह की ड्राइंग्स होती है, आर्टिस्ट वो पेंट, तो कुछ ऐसे ऐसे तरीके की ड्राइंग होती है पिकासो की। तो अब मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, कॉपीराइट मेरे को नहीं चाहिए। वैसे पता नहीं इससे कॉपीराइट लगेगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लूँगा। तो आप ऐसे ही देख लीजिए, आप भी सर्च कर सकते हैं ये पिकासो। तो कुछ इस तरीके की ड्राइंग्स होती है पिकासो, तो हम भी पेंटिंग के लिए ढूंढ रहे हैं। तो वो मैंने कोई पर्टिकुलर पेंटिंग तो चुनी नहीं है, तो अगर वो इस तरीके की भी पेंटिंग बता देगा तो मतलब एक हिसाब से उसने सही बताया है। ओके, तो मैं पिकासो के लिए यस कर देता हूँ, रिलेशन विद पिकासो यस। दस Zen Malik have won? मेरे को नहीं पता भाई। Can we collect it? Yes, हम पेंटिंग कलेक्ट कर सकते। Can it be played with one hand? हाँ, एक हाथ से ड्राइंग हो सकती। एक मिनट, क्या था वैसे ये? Don't know. Played with one hand, ऐसा कुछ नहीं पता। It is white. ना कलर होता है। डू वी नीड अनदर ऑब्जेक्ट टू यूज इट? अनदर ऑब्जेक्ट यस। कंटेन कॉटन? नो। पेंटिंग? अ पेंटिंग यस। बता दिया यस। ओके, तो बता ही दिया आखिरकार इतनी मेहनत के बाद, मेहनत बहुत लगी। तो मैं प्ले अगेन नहीं करता, होम पे चलते हैं। तो अब थोड़ा सा हम इसे और ज़्यादा ख़तरनाक करेंगे। पिछली बार आपको याद होगा कि ये कैरी मिनाती को ये नहीं ढूंढ पाया था, और वो मेरा, फिर मैंने उसका थंबनेल भी डाल दिया था। तो उसने इसलिए नहीं ढूंढ पाया था क्योंकि मेरा चाइल्ड मोड ऑन था, तो मैं चाइल्ड मोड को ऑफ करूँगा।
इसके लिए अडल्ट मोड चाहिए तो पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन फिर भी एक बार खेल लेते हैं। पता नहीं ऐसे कौन सा क्वेश्चन पूछेगा अब। अरे यार पहले सोच तो लूँ क्या चुनूँ। आई थिंक मैं किसी यूट्यूबर को, किसी और यूट्यूबर को चुनता हूँ, किसी गेमिंग यूट्यूबर को। तो मैं अपने चपाती भाई को ढूंढता हूँ, चपाती हिंदुस्तान गेमर, उनकी वीडियो बड़ी सही होती है। तो मेरे को पता नहीं वो कहाँ रहते हैं, लेकिन है वो इंडियन, लेकिन वो इंडिया में अभी रहते नहीं है। तो मेरे को पता नहीं कि वो कहाँ रहते हैं, लेकिन वो इज योर करेक्टर जैपनीज, तो वो जैपनीज तो है नहीं, वो इंडियन ही है, लेकिन वो इंडिया में रहते नहीं है बस। मेल है, यस। वो करेक्ट इज योर करेक्टर फ्रॉम, नहीं उन्होंने कोई मूवी नहीं की है, वो मूवी के नहीं है। ओल्डर देन 35, मेरे को उनकी एज नहीं पता, मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ। ओके भाई, तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, उनकी बायो पढ़ी, फिर भी मेरे को पता नहीं चला वो कितने साल के। मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ, तो अगर आपको पता है तो कमेंट करो यार, चपाटी भाई कितने साल के, और उनका असली नाम पम्मी है। हाँ ओके, ये क्या है, कनेक्शन प्रॉब्लम अगर, व्हाट डू यू वांट टू डू, कंटिन्यू द गेम। अरे ये क्या हो रहा है, रुकिए मैं कनेक्शन एक बार अपना चेक कर लूँ। अरे यार गाइस पता नहीं क्या हो गया, ये स्टार्ट न्यू गेम करना पड़ा। कोई नहीं, हम फिर से अपने यही चपाती भाई को ढूंढते हैं, चपाती हिंदुस्तानी गेमर पम्मी भाई, वो फीमेल नहीं है। अब मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, मैरिड मेरे को नहीं पता। अब मैंने सोचा कि मैं गूगल वगैरह का यूज़ नहीं करूँगा, मूवी में भी नहीं आया है वो, इंडियन है वो, 40 इयर्स से कम के है वो। हाँ वो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, वो गेमिंग वीडियोस डालते हैं, वो माइनक्राफ्ट खेलते हैं। हाँ उनकी दाढ़ी है। इज़ योर करेक्टर फेमस फॉर GTA 5 वीडियोस? हाँ वो GTA 5 की वीडियोस। लिंक्विड कप हेड, ये मेरे को नहीं पता, डोंट नो कप हेड क्या होता है, वैसे मैं थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ। ओके कप हेड 2017 का रन एंड कुछ ऐसे ही लिखा था, मैं दिखा देता हूँ। हाँ 2017 रन एंड गन वीडियो गेम, तो मैं और कुछ नहीं जानता, तो मेरे को सही में नहीं पता कि उन्होंने कभी ये गेम खेला है या नहीं। ओके हैज़ योर करेक्टर प्लेड एनी ऑफ द ऑस्ट्रेलियन क्रीड गेम? वो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में रहते या कहाँ रहते, तो मेरे को पता नहीं। दौड़ दो माइनक्राफ्ट, ये तूने अभी पूछा था कि वो माइनक्राफ्ट खेलते या नहीं, और मैंने यस कहा था, इसका मतलब वो माइनक्राफ्ट प्लेयर है भाई, ऑब्वियसली बात है, दो दो क्वेश्चन पूछ रहे। क्या है जवाब, छपाती हिंदुस्तानी गेमर, सही बोला। अरे वाह, ओह माय गॉड, प्ले अगेन, नहीं होम पे चलते हैं। तो चलिए मैं एक और खेल लेता हूँ कोई सा, तो मैं ये खेलूँगा, एनिमल, एनिमल के बारे में। तो पहले मैं एक एनिमल सोचता हूँ और उस पर उसकी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊँगा। ओके तो मैंने सोचा है कि मैं यूनिकॉर्न के बारे में सोचूंगा, क्योंकि यूनिकॉर्न रियल में नहीं होता, या होता होगा पता नहीं, वैसे तो वो रियल में नहीं होता, क्या पता कहीं पे हो, क्योंकि इस दुनिया को हमने पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया। तो कोई अच्छी सी यूनिकॉर्न की फ़ोटो, हाँ
यूनिकॉर्न होता है घोड़ा ही है, बस उसके सर पे ये सींग निकला होता है जैसा आप देख सकते हैं। दिखा देता हूँ, ये देखिए ये वाइट कलर का, ये एक तरीके का हॉर्न टाइप का इसके सर पे निकला होता है। एंड कुछ लोग कहते हैं कि उसके पास पंख भी होते हैं और वो उड़ भी सकता है, पर मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता, तो हटो, मेरे को बस इसका देखना है। तो वो पेट स्टोर पे नहीं मिलता वो एनिमल, सांप टीट नहीं, वो नॉर्मल घोड़े की तरह ही होते। ओके, ये विंग्स होते हैं या नहीं तो अभी मेरे को यूनिकॉर्न का नहीं पता, लेकिन जो मैंने वीडियो देखी है मतलब फ़ोटोज़ देखी है उस हिसाब से उसके पास विंग्स नहीं थे, तो मैं नो कर देता हूँ। फोर लेग्स होती है, यस, टॉलर देन मैन प्रॉबली, मतलब आसपास ही होता है वो मैन के। एनिमल राइज्ड इन फार्म, नहीं। डज योर एनिमल स्टिल एग्जिस्ट? प्रॉबली नॉट, क्योंकि पता नहीं है। डज योर करेक्टर मैजिकल? हाँ, उसे जादू ही मानते हैं। रिलेटेड टू रेनबो? हाँ, यूनिकॉर्न को रेनबो से रिलेटेड मानते हैं। हैव लार्ज विंग्स? ये मेरे को सच में नहीं पता है विंग्स का। इज योर एनिमल मिस्टिकल? हाँ, वो मिस्ट्री है एक तरीके से। डज योर एनिमल हैव स्मॉल क्लॉज? क्लॉज पता नहीं मेरे को, एक मिनट, वैसे क्लॉज होता क्या है? क्लॉज आई थिंक हाथ नहीं, पंजों को कहते हैं, एक मिनट, क्लॉज तो पंजों को कहते हैं। हाँ, फैदर, हाँ उसके, नहीं फैदर नहीं होता उस पर, नो फैदर नहीं होते। यूनिकॉर्न, अरे सही बता दिया बंदे थे, खुश हो जा। ओके, तो फिर से खेलते हैं। तो अब हम, एक मिनट, ये ही नहीं खेलना भाई। तो ये कर चुका हूँ मैं, ये कर चुका हूँ मैं, ये कर चुका हूँ, अब जल्दी से एक मूवी भी कर लेते हैं। क्या करें, वीडियो लंबी बनाने का मन करता है कभी कभार, आज वो ही मन कर रहा है। तो पहले कोई अच्छी सी मूवी चुनता हूँ, हिंदी की या इंग्लिश की, कोई सी भी। तो लेटेस्ट मूवी कौन सी आई थी लॉकडाउन से पहले? मुझे याद नहीं आ रही। तो मुझे कोई लेटेस्ट मूवी तो याद नहीं आ रही, अगर आपको याद आ रही हो तो कमेंट कर देना नीचे, ताकि मेरे को भी याद आ जाए। लेकिन फ़िलहाल हम एक ऐसी मूवी मैं सोचने वाला हूँ जो हॉलीवुड की और हिंदी डब भी है, जिसने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कमाया है। आप समझ ही गए होगे मैं किस किस सोचो क्या सोचने वाला हूँ। हाँ, मैं अवेंजर्स एंड गेम की बात कर रहा हूँ। इट इज़ इट अ मूवी फॉर चिल्ड्रन? यस, वो चिल्ड्रंस देख सकते हैं अच्छे से। करेक्टर, मेन करेक्टर उसका एनिमल नहीं है, वो कार्टून की भी नहीं है। इज द मेन करेक्टर ऑफ योर मूवी इज अ चाइल्ड? नहीं, वैसे उसमें बहुत सारे मेन करेक्टर थे, लेकिन मैं मेन आयरन मैन को मानता हूँ। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, कुछ ऐसे मेन थे, और हाँ एंट मैन भी, ये सारे कुछ ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था इसमें। प्रिंसेस नहीं है, मार्वल यूनिवर्स, यस मार्वल यूनिवर्स की है। अब बड़ा दस, क्रिस्टीना रिसी प्ले अ रोल इन दिस मूवी? मेरे को देखना पड़ेगा ये कौन है, मेरे को मार्वल के हीरोज़ के नाम अच्छे से नहीं पता, रियल नेम बस मेरे को आयरन मैन का पता है, रॉबर्ट जॉनी जूनियर्स। ओके भाई, ये जो भी है इसने काम नहीं किया है एंड गेम में, बल्कि इसने मार्वल की किसी भी मूवी में काम नहीं किया जैसा गूगल मेरे को बता रहे।
तो मैं नॉक कर देता हूँ। इज द मेन करेक्टर एसोसिएटेड विद स्पाइडर? नहीं, उसमें स्पाइडरमैन था। रिलीज इन 2000, यार उसकी रिलीज डेट कब थी? 2019 ही तो थी या फिर 20 थी, अरे मैं भूल गया यार, मैं बहुत भूला। हाँ 2019 में वो रिलीज हुई थी एंड गेम। ओके, इज द मेन करेक्टर अ गर्ल? ना प्रॉबली कर देते, बहुत सारे थे। देयर आर देयर मैनी अवेंजर्स इन योर मूवी? यस अवेंजर्स थे, बहुत थे। डज नॉर्मल मैकडोनल्ड प्ले रोल इन दिस मूवी? ये कौन है यार, कैसे कैसे नाम आ रहे। हाँ तो इसने इस मूवी पे काम नहीं किया है। इज थाइनोस इन योर मूवी? यस थाइनोस था। अब तो बता ही दे। अरे यार ये कौन है यार, कैसे नाम है। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये DAVIE जो इसने लिखा है ना, देवी मॉरियर ऐसे, तो जब आप इसे गूगल पे सर्च करोगे, इसी मैंने सेम चीज़ को लिखा है। आई थिंक सो सेम चीज़, DAVIE, यस DAVIE मॉरियर। तो इसमें आया कि DAVY देवी मॉरियर। तो पहले तो इस गेम पे कलंक है, तुझे इंग्लिश आती ही नहीं है। पिछली बार मैंने तेरी कैरी मिनाती से बेइज्जती करवाई थी थंबनेल पे, अब की बार इंग्लिश से करवाऊंगा। तट्टी इंग्लिश, मुझे पसंद ही नहीं आई इंग्लिश, और उसने काम नहीं किया। इज देयर टाइम ट्रैवल? हाँ टाइम ट्रैवल है, लेकिन इसके इंग्लिश बहुत ख़राब है। अवेंजर्स एंड गेम मूवी सही चुनता है पर इंग्लिश बहुत ख़राब है भैया, मुझे तेरी इंग्लिश पसंद ही नहीं आई। थू, मुझे आई नहीं पसंद, थू थू थू। अब चलिए चलिए मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ, अब बहुत आपका दिमाग पका लिया। और हाँ मैंने वो तो बोला ही नहीं जो मैं हर बार बोलता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और ऐसी वीडियो दिख सके, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाली बेल को दबा दीजिएगा, ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आप मेरे नई वीडियो के नोटिफिकेशंस देख सकें। और पिछली बार अकीनेतर पे मेरा 1 सब्सक्राइबर बढ़ा था, अब की बार मैं चाहता हूँ कि 100 सब्सक्राइबर बढ़े, जो कि 1 वीडियो में नहीं होगा, मेरे को पता है मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम 1 तो और बढ़े। ओके बाय।